नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल प्लेयर्स रिकॉर्ड पे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे GRA और CDS का बीच में जो अगला ECS T10 स्पेन सीरीज का जो मैच होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों ही टीमों के पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ बैटिंग ऑर्डर के साथ कि कौन से प्लेयर दोस्तों इस मैच के अंदर आपको ओपन करते हुए दिखेंगे, कौन से प्लेयर फर्स्ट राउंड पर खेलने वाले हैं, सारे प्लेयर्स का बैटिंग ऑर्डर के साथ। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से बॉलर अपने स्पेल के कंप्लीट दो ओवर तक गेंदबाजी करेंगे और किसे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए आप ले सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, यकीन मानो ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, तो एक बार इस वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करना। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो के नीचे जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा दोस्तों, इस पर एक बार क्लिक कर दें। साथ ही साथ यहाँ पे जो बेल आइकन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऑल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको भी एक बार सेलेक्ट जरूर कर लेना ताकि आने वाले T10 और T20 मैचेस का वीडियो मैं जैसे ही अपलोड करूंगा आपके पास सीधे नोटिफिकेशन जाएगा और सारे मैचेस का जानकारी आपको इसी प्रकार मिल पाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा बताया गया स्टैट्स पसंद आता है, इस वीडियो से अगर आपको ज़रा भी हेल्प मिलता है तो दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करना और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको एक एरो का बटन दिख रहा होगा। दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपके सामने शो हो जाएगा। इस ग्रुप में ज्वाइन करना ज़रूरी है क्योंकि लाइनअप के बाद आपको फाइनल टीम यहीं पे मिलेगा। हाँ, अभी हम लोग टीम बनाएंगे, हो सकता है कि लाइनअप के बाद एक दो खिलाड़ी चेंज होगा और वही टीम में आपको फाइनल टीम यहीं पर शेयर करूँगा। एक बार ज्वाइन जरूर कर लेना। इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जहाँ आप कमेंट करते हैं, पहला कमेंट मैंने लिंक आपको पिन कर दिया है, आप क्लिक करके आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टेट्स की ओर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, ग्राउंड वही रहेगा, कोटामावल ग्राउंड पे ही मैचेस हो रहे हैं। दोस्तों, ये आपको रात 12 बजे देखने को मिलेगा। पहला जो है हो रहा था रात 11 बजे हो रहा था, लेकिन ये जो मैच है आपको रात 12 बजे देखने को मिलेगा। क्लियर इसका रहने वाला है। 8 मैचेस अभी तक इस ग्राउंड के इस सीरीज के मैचेस हो चुके हैं, जहाँ पर 3 मैचेस फर्स्ट बैटिंग टीम ने विन करा है और 5 मैचेस सेकेंड बैटिंग टीम यहाँ पर जीतते हुए आ रहे हैं। दोस्तों, आज के जो यहाँ पर 3 मैचेस हो चुका है, तीनों के तीनों मैचेस में अगर आप देखेंगे तो सेकेंड बैटिंग टीम चेजिंग करते हुए जीता है। तो थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि चेजिंग करते हुए टीम के जीतने के थोड़ा ज़्यादा चांस रह रहे हैं इस ग्राउंड पे, ये चीज़ माइंड पे रखना आज के जिस प्रकार 3 मैचेस हुए हैं। दोस्तों, GRA के वापस से देखोगे तो जीतने के चांस है, हेड टू हेड ऑलरेडी इन दोनों के बीच में 2 मैचेस हो चुके हैं और दोनों ही के दोनों मैचेस यहाँ पे दोस्तों GRA की टीम चेजिंग करते हुए जीतते हुए, मतलब हेड टू हेड जो खेला है GRA की टीम जीतते हुए आ रहे हैं, CDS को 2 बार हराते हुए आ रहे हैं। ठीक है, बैटिंग पिच है 100 रन के आसपास, एक एवरेज स्कोर इस ग्राउंड पर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए बात करेंगे सबसे पहले GRA की टीम के बारे में। दोस्तों, 5 मैचेस इन्होंने खेला है, 4 मैचेस जीता है और 1 मैच लॉस किया है, लेकिन वे CDS की बात करते हैं तो 5 मैच के अंदर 3 मैचेस जीता है और 2 मैच लॉस करते हुए आए हैं। हालांकि CDS की टीम भी काफ़ी मजबूत टीम है, लेकिन ये जो दो बार हार जो देख रहे हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ GRA की टीम से ही हुआ है, तो ये चीज़ भी माइंड पर रखने वाली बात है। चलिए बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। हीरा महे जो कि टीम के फर्स्ट राउंड पे खेलते हैं, कैप्टन है। दोस्तों, पहले मैच के अंदर 16 रन प्लस 1 विकेट, फिर यहाँ पे 4 रन इसमें कोई विकेट नहीं मिला, फिर 14 रन इसमें 2 ओवर की गेंदबाजी में कोई विकेट नहीं मिला, फिर 19 रन प्लस 1 विकेट, फिर 24 रन प्लस 1 विकेट। दोस्तों, ये जो प्लेयर है ओवरऑल देखोगे तो 77 रन बना के 3 विकेट निकाल चुके हैं। ये जो प्लेयर है दोस्तों बहुत बढ़िया प्लेयर है, जो टीम का टॉप ऑर्डर पर बैटिंग के साथ साथ ही अपना स्पेल का 2 ओवर गेंदबाजी भी करेंगे, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहेंगे, तो इनको मिस नहीं करना है। जिनको भी मैंने कलर कर रखा है ना नाम पे, ये चीज़ ध्यान रखना कि कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए आज के मैच के अंदर बेस्ट ऑप्शन रहेगा। बाकी कुलदीप लाल ये भी ओपन करेंगे, पहले मैच के अंदर 68 रन, फिर 65, फिर 45, फिर 1, फिर यहाँ पे 19 रन, लेकिन ये जो प्लेयर है दोस्तों 198 रन पूरे टूर्नामेंट के अंदर अभी तक बना चुका है। दोस्तों, मैंने यही चीज़ मैंने आपको बताया था, मतलब आज के जितने भी मैचेस हुआ है यही चीज़ मैं आपको बताया था कि ये जो प्लेयर है ना, मतलब कैप्टनसी के लिए तीनों मैचेस में जिस प्रकार खेला है ना, बहुत सबसे ज़्यादा हाई सिलेक्शन था इनका, लेकिन यही मैं आपको बता रहा था कि बॉलिंग नहीं करेंगे। अगर बाय द वे अगर ये आउट हो जाता है जल्दी तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगा, और सेम देखने को मिला है इस मैच के अंदर, मतलब जो आज के पहला मैचेस हुआ था 1 रन पे आउट रहा था, मतलब सबसे ज़्यादा सिलेक्शन इनका था। और ये चीज़ मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो सिर्फ और सिर्फ ओपन कर रहे हैं, भले फॉर्म उनका बेटर हो, हाँ कभी कभी आप ले सकते हो, लेकिन हमेशा अगर आप लेके चलते हैं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, जैसे कि आज के पहला मैच के अंदर हुआ था। इसलिए मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, 3 से 4 प्लेयर इस मैच के अंदर भी रहेगा जिनको कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। फिर से ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ओपन तो कर रहे हैं, बढ़िया तो खेले हैं 3 मैच के अंदर स्टार्टिंग के, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बल्लेबाजी करेंगे, बाकी आपके हैंड पे है। बाकी मनीष की बात करेंगे, दोस्तों ये अभी तक देखोगे 66 रन स्कोर कराए, हालांकि बॉलिंग करते हैं, दो ओवर बॉलिंग करते हैं, लेकिन अभी तक एक भी विकेट नहीं निकाल पाए हैं। एक ही मैचेस के अंदर देखोगे 47 रन स्कोर करा था, बाकी के सारे मैचेस में देखोगे तो बॉलिंग से भी फ्लॉप रहा है और बैटिंग से भी फ्लॉप रहा है।
बाकी मुख्तर सिंह ये ओपन करेंगे पहले मैच के अंदर 68 रन, इसमें कोई विकेट नहीं मिला दोस्तों। फिर यहाँ पे एक विकेट, फिर 8 रन, फिर 32 रन, फिर यहाँ पे 7 रन स्कोर करा है। ओवरऑल देखोगे 107 रन बना के 11 एक विकेट निकाल चुके हैं, ये भी बढ़िया प्लेयर है, अगर आप चाहें तो इनके साथ भी जा सकते हैं, लेकिन आज के मैचेज में देखोगे तो बॉलिंग इन्होंने नहीं करा है। वहीं अगर आप नेक्स्ट खिलाड़ी की बात करेंगे तो ईशान पटेल, जो कि देखोगे तो पहले मैच के अंदर 3 विकेट, फिर 36 रन प्लस 4 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 6 रन प्लस 1 विकेट, और लास्ट मैच के अंदर 18 रन बना के 2 विकेट निकाला हुआ है दोस्तों। ओवरऑल देखोगे तो 60 रन बना के 11 विकेट निकाल चुके हैं, ये भी बढ़िया प्लेयर है। बॉलिंग ये अपना स्पेल का 2 ओवर कंप्लीट करते हैं, हालांकि बल्लेबाजी भी ठीक ठाक किया है, तो आप इनको कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए अगर आप चाहें तो इनके साथ भी आप जा सकते हो। बाकी संदीप सिंह का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है, तो यहाँ पे दोस्तों आप इनको चाहें तो यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं, अभी तक बैटिंग बॉलिंग नहीं करा है। बाकी त्रिलोचन सिंह पहले मैच के अंदर फ्लॉप, फिर 2 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 1 विकेट, और लास्ट मैच के अंदर फ्लॉप है। शाहिल 8 नंबर पे खेलते हुए 4 रन बनाया हुआ है। बाकी शहरुल चौहान पहले मैच के अंदर 3 रन, फिर फ्लॉप, और लास्ट मैच के अंदर 2 विकेट निकाला है। अमोल राठौड़ सेकंड राउंड पर खेलते हुए 18 रन स्कोर करा है। और कुलवंत ठाकुर की बात करते हैं तो पहले मैच के अंदर 2 विकेट, फिर लगातार लास्ट के दोनों मैच के अंदर फ्लॉप रहा है। रोहित रित्तो को मैं ड्रॉप करूंगा, इनका भी रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है दोस्तों। ये GRA की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, सारे प्लेयर्स का बैटिंग ऑर्डर यहां पे आप इजी देख सकते हैं दोस्तों। इसमें से जिसको भी लेना है आप ले सकते हैं, बैटिंग ऑर्डर के साथ सारे स्टैट्स आपके सामने हैं। लेकिन CDS की बात करते हैं तो यहां पे रिचर्ड लेक खेलते हुए नजर आएंगे, जो ओपन भी करते हैं और दोस्तों 2 ओवर गेंदबाजी भी करते हैं। ओवरऑल देखोगे तो 93 रन बना के 6 विकेट निकाल चुके हैं दोस्तों। मैंने इनको भी कलर कर रखा है क्योंकि दोस्तों ये ओपन भी करते हैं और अपने स्पेल का कंप्लीट 2 ओवर गेंदबाजी भी करते हैं, इस वजह से ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए भी आप इनके साथ जा सकते हैं। आपको ध्यान देना होगा मैंने लास्ट में जो टीम बनाया हुआ है इनको मैंने वाइस कैप्टनसी के लिए लिया हुआ है। रीजन साफ है, बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे। ले रिमर की बात करेंगे दोस्तों, ओपन करेंगे पहले मैच के अंदर 59 रन, इसमें कोई विकेट नहीं मिला, फिर 3 रन, फिर 40 रन, फिर 45 रन, 1 विकेट, और लास्ट मैच के अंदर बैटिंग बॉलिंग से फ्लॉप रहा है। लेकिन ओवरऑल देखोगे तो 147 रन प्लस 1 विकेट निकाला है, तो ये भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं। एंड्रिक रॉम इनका रिकॉर्ड देखोगे फर्स्ट राउंड पे खेलते हुए 19 रन, फिर 2 रन, फिर 0, फिर 2, फिर यहाँ पे 1 रन, आप इनको अवॉइड कर सकते हैं, इनका रिकॉर्ड उतना शानदार रहा नहीं है। हालांकि फर्स्ट राउंड पर खेलते हैं लेकिन अभी तक देखोगे तो सारे मैचेस में लगभग ही फ्लॉप रहे हैं। जमी की बात करते हैं तो पहले मैच के अंदर 1 रन प्लस 1 विकेट, फिर फ्लॉप रहा था, फिर 1 विकेट निकाला हुआ है। ओवरऑल देखोगे तो 7 रन बना के 2 विकेट निकाला हुआ है। अजहर की बात करेंगे दोस्तों, इनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। ब्रूस की बात करेंगे तो पहले मैच के अंदर 1 विकेट, फिर 1 विकेट, और लास्ट मैच के अंदर भी 1 विकेट निकाला हुआ है। क्रिस बटन पहले मैच के अंदर 1 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 1 विकेट, और लास्ट मैच के अंदर भी 1 विकेट निकाला हुआ है दोस्तों। ये भी बहुत शानदार प्लेयर है और इनको भी अपने टीम के अंदर जरूर से जरूर ट्राई करना है, बहुत बेटर प्लेयर रहने वाले हैं। इगन की बात करेंगे, थर्ड डाउन पर खेलते हुए पहले मैच के अंदर 8 रन, फिर फ्लॉप, आप इनको अवॉइड कर सकते हैं। वहीं ग्लेन हिल्स की बात करेंगे दोस्तों, इनका भी रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। नौशन अलवेज की बात करेंगे, सेकंड डाउन पर खेलेंगे पहले मैच के अंदर 0, फिर 26, फिर 0, फिर 27, फिर यहाँ पे 5 रन, ओवरऑल देखेंगे 58 रन स्कोर करा है। रिचर्ड 1 विकेट निकाला हुआ है। रिचर्ड हेडसमैन की बात करें दोस्तों, बैटिंग बॉलिंग दोनों से फ्लॉप रहा है, पहले मैच के अंदर फिर 2 विकेट, फिर फ्लॉप, और लास्ट मैच के अंदर 16 रन बना के 1 विकेट निकाला हुआ है। ओवरऑल देखोगे तो 17 रन बना के 3 विकेट निकाला हुआ है दोस्तों। बाकी यहाँ पे अलवेज का रिकॉर्ड देख सकते हैं, पहले मैच के अंदर 4 रन, दूसरे मैच के अंदर 1 ही ओवर का स्पेल करा था लेकिन 2 विकेट निकाले थे। इस्मात बोरा जो कि इनका रिकॉर्ड बैटिंग बॉलिंग दोनों से फ्लॉप रहा है। जेमी इनको भी ड्रॉप, जेम्स को ड्रॉप कर सकते हैं दोस्तों। बाकी यहाँ पे मानव की बात करते हैं, मानव नायक पहले मैच के अंदर 6 रन प्लस 1 विकेट, और लास्ट मैच के अंदर 6 रन बना के 3 विकेट निकाला हुआ है दोस्तों। ये प्लेयर लास्ट के 2 मैच के अंदर खेलते हुए बहुत बढ़िया पॉइंट्स दिया हुआ है, 4 विकेट निकाल चुके हैं, बढ़िया गेंदबाजी करा लास्ट मैच के अंदर, तो अगर आप चाहें तो इनको आप एज ए बॉलर ले सकते हो, जो डेथ ओवर में भी लगभग बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे। बाकी स्टेफन वेलिस की बात करेंगे दोस्तों, पहले मैच के अंदर 3 विकेट, दूसरे मैच के अंदर 1 रन स्कोर करा है। हालांकि पहले मैच के अंदर बढ़िया बॉलिंग करा था लेकिन T10 है या कुछ भी हो सकता है, जैसे कि दूसरे मैच के अंदर आप देख सकते हैं इनको बॉलिंग ही नहीं दिया गया है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ये GRA और CDS का बैटिंग ऑर्डर है दोस्तों, और सेम बैटिंग ऑर्डर आपको इस मैच के अंदर लगभग देखने को मिल जाएगा। हालांकि मैंने आपके लिए एक डेमो टीम बना के रखा है, तो चलिए उस टीम की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इसमें कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए CDS के टीम की तरफ से ये 2 प्लेयर है और GRA के टीम की तरफ से ये 3 प्लेयर, ध्यान रखना। शुरुआत करते हैं सबसे पहले विकेट कीपर से, जो आज आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। KLAL बहुत बढ़िया प्लेयर है, इनको अपने टीम के अंदर ट्राई करेंगे। ये दोस्तों GRA की टीम की तरफ से टॉप ऑर्डर पे खेलेंगे, मैंने पहले बताया था। बैटिंग में देखोगे 3 बैट्समैन जिसमें से एम सिंह शामिल है, एल रिमर को मैं ट्राई करूंगा, यहाँ पे एस बेलिस, ये जो 3 प्लेयर है बैटिंग सेक्शन में आपके टीम के अंदर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे दोस्तों एन एलविस को ट्राई कर सकते हैं, इनका भी रिकॉर्ड बेटर है दोस्तों। मैं कहूँगा कि अगर आप इनको ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ऑलराउंडर पर मैंने यहाँ पे 4 ऑलराउंडर को लिया हुआ है जिसमें से GRA की टीम की तरफ से 2 प्लेयर है और आर्लेक और
यहाँ पे नायक को ट्राई करके रखा है, जिसमें से जीआरए की टीम की तरफ से दो प्लेयर और सीडीएस की टीम की तरफ से दो प्लेयर है। तो ये चार ऑलराउंडर को मैं अपनी टीम के अंदर ट्राई करूंगा। अब रहा बॉलिंग की बात, तो तीन बॉलर को ले रखा है, जिसमें से दोस्तों यहाँ पे सीडीएस की टीम की तरफ से दो गेंदबाज है जो अपना स्पेल का दो ओवर गेंदबाजी करेंगे, फास्टर गेंदबाज और डेथ ओवर पर बॉलिंग करने के लिए आते हैं। बाकी मैं त्रिलोचन सिंह को ट्राई करूंगा, अगर आप चाहें तो सीडीएस की टीम की तरफ से इनको भी ले सकते हैं या फिर एस चौहान के साथ आप जा सकते हो। टीम प्रीव्यू मेरा कुछ इस प्रकार का है दोस्तों, जिसमें से कैप्टनसी के लिए आई पटेल को मैं ट्राई करूंगा और वाइस कैप्टनसी के लिए आर्लिक बेस्ट रहने वाला है जो ओपन के साथ साथ गेंदबाजी भी करते हैं। तो ये मेरे साइड से टीम है। इसमें अगर आपको एक दो प्लेयर चेंजेस करना है वीडियो के हेल्प से, स्टेट्स जो मैंने आपको बताया है तो आप चेंज कर सकते हो। हालांकि मैंने आपके हेल्प करने के लिए दोस्तों ये डेमो टीम बना के रखा है, देख सकते हैं। इसमें अगर मेरे साइड से कोई भी चेंजेस होता है तो मैं आपको टीम प्रोवाइड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, तो एक बार ज्वाइन जरूर कर लेना दोस्तों। इस वीडियो के नीचे मैंने लिंक आपको प्रोवाइड कर रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।